नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूं उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे सिलेबस को लेकर के। अभी हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा बीएस सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के सिलेबस को कुछ परिवर्तित किया गया है बिकॉज ऑफ कोविड 19 की वजह से उस सिलेबस में कुछ परिवर्तन हुआ है। और विद्यार्थियों का इस बाबत कुछ प्रश्न थे जिन्होंने मैसेज के माध्यम से मुझसे पूछा था कि क्या सिलेबस में किस तरीके के चेंज हुए हैं, सर एक बार आप इसको जानकारी दे दें। तो उसी जानकारी को लेकर के ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये मैं बताऊँगा इस वीडियो में कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं सिलेबस को लेकर के, क्योंकि ये क्वेरी ज़्यादातर बी ए सेकेंड ईयर के बच्चों की है। बी ए सेकेंड ईयर के बच्चे जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं उड़ान द फ्लाई के चैनल के माध्यम से, उन बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो मुख्य रूप से बनाया है। और हम देखेंगे कि क्या क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन इसमें हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक अस्थाई सिलेबस है, अभी ये पूर्ण रूप से स्थाई सिलेबस नहीं है। मतलब ये सिलेबस सिर्फ कोविड 19 के दौर के लिए बनाया गया है, कोविड 19 के लिए, जैसा कि इसमें लिखा गया है, सिलेबस मॉडिफाइड ओनली कोविड 19 पीरियड ड्यू टू अनप्रेसिडेंट सिचुएशन। मतलब जो ये असामयिक स्थिति है कोविड 19 की, उसको ध्यान में रखते हुए सिलेबस का निर्माण किया गया है। और ये सिलेबस फिलहाल कोविड 19 की वजह से मॉडिफाइड किया गया है, मॉडिफिकेशन इसमें किया गया है। और ये शायद कोविड 19 के बाद इसमें कुछ परिवर्तन पुनः हो जाए। तो इस सिलेबस को अगर हम देखें BA Part 2, क्योंकि हम लोग BA Part 2 पढ़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, और उसमें मैं पेपर फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं पेपर फर्स्ट के बारे में ही चर्चा करूँगा। और BA Part 2 का पेपर फर्स्ट, और वो पेपर कौन सा है, वो पेपर है वर्ल्ड सिविलाइजेशन का, जिसका कि नाम है, क्या नाम है, आउटलाइन, जिसका नाम है आउटलाइन ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन। इसका मतलब है कि विश्व सभ्यताओं की रूपरेखा। वैसे तो हम लोग एक बार सिलेबस का डिस्कशन कर चुके हैं, तो मुख्यतः मैं एक सिलसिलेवार बताते चला जा रहा हूँ कि क्या क्या यूनिट में है और क्या क्या चेंज हुआ है। तो हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके पहले भी मैंने सिलेबस डिस्कशन किया है, वो चैनल में प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ है। तो सबसे पहले, जैसा कि बात हो रही थी यूनिट फर्स्ट को अगर हम देखें, तो इसमें हमें अर्लीस्ट सिविलाइजेशन फर्स्ट पढ़ना है, जिसमें कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन पर बात करनी है, उसका पॉलिटिकल डेवलपमेंट अंडर द फरोज देखना है, इजिप्टियन रिलीजन देखना है और आर्ट देखना है। ठीक है, तो हमें इजिप्टियन रिलीजन, हम लोग बात भी कर रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, आपके लेक्चर भी आ रहे हैं इजिप्टियन सिविलाइजेशन में, और जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है वही इजिप्टियन सिविलाइजेशन यहाँ पर पूछा भी जा रहा है, उसमें कोई विशेष परिवर्तन हमें सिलेबस में नहीं दिखाई पड़ता। हाँ, इंटेलेक्चुअल जो अचीवमेंट है वो यहाँ से थोड़ा सा कम कर दिया गया, इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा। इसके बाद आप देखें यूनिट सेकेंड में आप आएंगे, तो यूनिट सेकेंड में अर्लीस्ट सिविलाइजेशन 2, आरंभिक सभ्यताएं भाग 2, जिसमें हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करना है। तो मुख्य विशेषताएं तो एज इट इज़ है सिलेबस में, साथ ही साथ हमें सुमेरियन सिविलाइजेशन पर बात करनी है, बॉबिलोनियन सिविलाइजेशन पर बात करनी है और असीरियन सिविलाइजेशन पर बात करनी है। एक सिविलाइजेशन यहाँ पर मिस है, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में 4 सभ्यताएँ आती हैं, लेकिन यहाँ पर एक सभ्यता मिस कर दी गई है, एक सभ्यता को सिलेबस से फिलहाल के लिए हटा दिया गया है इस कोविड 19 के पीरियड को ध्यान में रखते हुए। कौन सी सिविलाइजेशन हटाई गई है, वो सिविलाइजेशन है कैल्डियन सिविलाइजेशन। कैल्डियन सिविलाइजेशन अब फिलहाल कोविड 19 के इस दौर में आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको वो अब नहीं पढ़ना है। आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साइलेंट फीचर्स को पढ़ना है, आपको सुमेरियन सिविलाइजेशन को पढ़ना है, बेबिलोनियन सिविलाइजेशन को पढ़ना है और असीरियन सिविलाइजेशन को पढ़ना है। अब आपको कैल्डियन सिविलाइजेशन नहीं पढ़ना है सेकेंड यूनिट में। उसके बाद इस सिलेबस को अगर हम आगे बढ़े तीसरी यूनिट में आए, तो तीसरी यूनिट में हम देख रहे हैं क्या क्या है। तीसरी यूनिट में ग्रीक सिविलाइजेशन हमें पढ़नी है, और उस प्रारंभिक, इसके पूर्व का जो सिलेबस था उसमें भी ये स्थिति है।
इसमें हमें होमरिक होमरिक काल होमर काल इसमें पढ़ना है, जो कि पिछले मतलब पूर्व के सिलेबस में भी था। इसके बाद पेरिक्लियन एज मतलब पेरिक्लीज काल हमें पढ़ना है। और बाद में हमें सेलियन फीचर्स ऑफ हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन, हेलेनिस्टिक सभ्यता की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसको पढ़ना है। इसमें हेलेनिक सभ्यता की मुख्य विशेषता हटा दी गई है, हेलेनिक वर्ड हटा दिया गया है, साथ ही साथ कुछ और टॉपिक हटा है। जब आप सिविलाइजेशन मतलब सिलेबस को देखेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सा और पार्ट इससे हटा दिया गया है। इसके बाद चौथी यूनिट में जब हम आएंगे तो चौथी यूनिट में हमें रोमन सिविलाइजेशन को पढ़ना था। इस सिलेबस में भी रोमन सिविलाइजेशन को हम पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद रोमन सिविलाइजेशन में हमें जूलियस सीजर और अगस्टस और उसके योगदानों को पढ़ना था। वो एज इट इज़ रखा गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। उसके बाद रोमन कल्चर, रोमन संस्कृति में हमें कानून, कला और रोमन लेगेसी के बारे में पढ़ना है कि रोमन लेगेसी क्या क्या थी, मतलब उसकी जो परंपराएं थी वो किस तरीके की थी, उसके संदर्भ में हमें जानकारी लेनी है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी अंडर रोमन एम्पायर। तो इस यूनिट में भी कोई विशेष परिवर्तन हमें दिखाई नहीं पड़ता और यह यूनिट हमें पढ़नी है। उसके बाद चौथी पाँचवीं यूनिट में हमें एंशियंट ईरान और चाइना सिविलाइजेशन को देखना है। इसमें एक वर्ड हटा दिया गया है, वो है फिलिस्तीन। अगर आप पाँचवीं यूनिट को देखें पिछले सिलेबस की, तो इसमें एक और वर्ड था, वो था फिलिस्तीन। एंशियंट ईरान, फिलिस्तीन एंड चाइना, तो इसमें फिलिस्तीन की जो सिविलाइजेशन है उसको हटा दिया गया है और आर्किमेनिड साम्राज्य, जरुस्तुज और हिस्री उसके रिफॉर्म्स को पढ़ना है, पार्थियन सिविलाइजेशन को पढ़ना है। लेकिन अब हमें इसके अंतर्गत सिसेनियन सिविलाइजेशन को नहीं पढ़ना है, सिसेनियन सिविलाइजेशन अब इसका पार्ट नहीं है। इसके अलावा चिन पीरियड में हमें शाही हुआंगती को पढ़ना है, शी हुआंगती। उसके बाद कन्फ्यूशियस को पढ़ना है, इसमें चिन पीरियड को हटाया गया है और साथ ही साथ लाउत्से को भी हटा दिया गया है। लाउत्से को भी इस सिलेबस में नहीं रखा गया है। तो ये मॉडिफिकेशन इस सिलेबस में दिखाई पड़ता है, जो कि बीए पार्ट टू के फर्स्ट पेपर का है। तो आप इस सिलेबस को विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आप मैं इस सिलेबस को ग्रुप में भेज दूंगा। मेरा जो उड़ान द फ्लाई का एक ग्रुप है व्हाट्सएप, जो आप लोगों ने बना रखा है, उस ग्रुप में अगर किसी को सिलेबस की आवश्यकता है तो मैं सिलेबस को उस ग्रुप में डाल दूंगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और यथावत जो हमारे लेक्चर्स थे वो चलते रहेंगे, और आने वाले वीडियो में हम लोग अब बीए सेकेंड ईयर के इस फर्स्ट पेपर की सेकेंड यूनिट की तरफ बढ़ेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बात की थी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। और अगर सिलेबस में कोई समस्या आपको समझ में आ रही है तो आप मुझे मैसेज के माध्यम से भी बता सकते हैं, और मैं उसको कोशिश करूँगा को आपको वो पूरी जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से ही देने का प्रयास हो जाए, या आपकी संतुष्टि हो जाए, जिससे कि आप फिर से सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।